सब्सक्राइब कीजिए लॉजिकल कॉम्पिटिटर्स को और बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का लॉजिकल कॉम्पिटिटर्स पे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 30 बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिनमें से कुछ आपके करंट अफेयर्स के हैं और कुछ आपका स्टैटिक पार्ट है। तो ये वो क्वेश्चन है जो कि यूपी पुलिस का जो परीक्षा होने वाली 27 और 28 तारीख को, उसमें उनके आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त किया गया है। तो नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन है हमारे, सुधीर भार्गव जी। अभी अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो टेस्ट सीरीज खत्म हुई है, उसको भारत ने 2-1 से जीत लिया है और भारत पहली एशियाई टीम बन गई है जिसने ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हराया है। ठीक है, तो यहाँ से दो क्वेश्चन जो बेहद इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं कि एक ही टेस्ट सीरीज में सर्वाधिक विकेट लेने वाला विकेट कीपर कौन बन गया है। तो वो बन गए हैं ऋषभ पंत, और इसमें मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया है, तो चेतेश्वर पुजारा, जिन्होंने बहुत ही शानदार बैटिंग करी, इनको दिया गया है मैन ऑफ द सीरीज। और सबसे ज़्यादा जो विकेट लेने का काम किया है वो किसने किया है, ऋषभ पंत ने। इसके अलावा अभी उड़ीसा के कलिंग स्टेडियम में विश्व हॉकी चैंपियनशिप कराई गई थी। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, इन चारों में से आपको पक्का एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं अपने स्टैटिक पार्ट पे। स्टैटिक में तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो सांख्य दर्शक के प्रवर्तन माने जाते हैं कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कपिल मुनि। किस अनुच्छेद के तहत नीति निदेशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, तो इसका आंसर है अनुच्छेद 37। तो अनुच्छेद 37 ये कहता है कि जो नीति निदेशक तत्व हैं, जो कि आपके भाग 4 में हैं, इनको सरकार अपनी मर्जी से चाहेगी तभी कर सकती है, वरना किसी भी तरीके से उनको फोर्सफुली नहीं अप्लाई किया जा सकता। ओके, आगे चलते हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली महिला ऐसी कौन सी थी जिन्होंने सातों समुंदर तैर करके पार किए थे, तो वो कौन थी, बुला चौधरी। तो बुला चौधरी पहली महिला थी जिन्होंने 7 समुंदर तैर कर पार किए थे। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फ्रीडम फ्रॉम फियर के लेखक कौन है, तो आंग सान सू की, जो हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है। क्यों, क्योंकि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ बहुत ही गलत तरीके का बिहेवियर किया गया है, उनको एक तरीके से उनके साथ जीनोसाइड किया गया है, उनको ढूंढ ढूंढ करके मारा गया है, काटा गया है, तो इसकी वजह से आंग सान सू की को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, यहाँ तक कि इनसे अवार्ड भी वापस करा लिए गए थे। ठीक है, उसमें से कनाडा ने अपनी जो है नागरिकता दी थी इनको मानक, वो भी वापस इनसे करा ली है। ठीक है, तो आंग सान सू की कौन है, म्यांमार की प्रधानमंत्री हैं। आंग सान सू की म्यांमार की प्रधानमंत्री हैं, और अगर म्यांमार का राष्ट्रपति पूछे तो वो हैं विन मिंट। म्यांमार का राष्ट्रपति कौन है, विन मिंट, और प्रधानमंत्री कौन है, आंग सान सू की। तो दोनों ही आपको याद रखने हैं, आंग सान सू की वहाँ की प्रधानमंत्री, जिन्होंने फ्रीडम ऑफ फियर नामक बुक लिखी है, और वहाँ का राष्ट्रपति कौन है, विन मिंट। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्ता पाणिग्राही का संबंध किस नृत्य से, ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आता है, कहीं ना कहीं से रिपीट होता ही रहता है। तो संयुक्ता पाणिग्राही का संबंध किस नृत्य से है, ओडिसी से है। आप इसको एक बेहद ही अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, ओडिसी में लास्ट वर्ड क्या है, सी, सी, और इंग्लिश में सी का मतलब क्या होता है, समंदर, सी का मतलब क्या होता है, समंदर, और संयुक्ता पाणी ग्राही, तो संयुक्ता को जब प्यास लगी तो पानी ग्रहण करने कहाँ पे चली गई थी, सी में, तो सी से आपको क्या याद आ जाएगा, ओडिसी। तो संयुक्ता पाणी ग्राही, जब उनको पानी ग्रहण करना था वो कहाँ पे गई, सी, सी मतलब ओडिसी। तो इस ट्रिक से आप हमेशा के लिए इसको याद कर सकते हो। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि दामोदर घाटी कोऑपरेशन क्या है। तो ये एक बेहद ही टफ क्वेश्चन हम कहेंगे कि दामोदर घाटी कोऑपरेशन क्या है। तो आपको पता है कि दामोदर नदी कहाँ पर बहती है, छत्तीसगढ़ में, या फिर उड़ीसा का जो रीजन वहाँ पे ये बहती है। तो ये क्या है, एक सरकारी निकाय है जो कि उस जहाँ पे दामोदर घाटी है वहाँ पे ये जो बिजली का प्रोडक्शन होता है उसको कंट्रोल कौन करता है, दामोदर घाटी कोऑपरेशन। तो यह एक गवर्नमेंट बॉडी है। नेक्स्ट चलते हैं कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, नेशनल लिटरेसी मिशन कब शुरू हुआ, तो 1988 में। उड़ीसा का शोक किसे बोलते हैं, तो उड़ीसा का शोक बोलते हैं हम महानदी को। उड़ीसा की जो सबसे मेन नदी वो भी कौन सी है, महानदी। तो एक टाइम पे महानदी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्बादी क्रिएट करती थी, इसलिए महानदी को क्या बोलते हैं हम, उड़ीसा का शोक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, पाइरीडॉक्सीन। तो ये क्वेश्चन भी कई सारे एग्जाम में रिपीटेड हो चुका है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, पाइरीडॉक्सीन। नेक्स्ट है तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ कहाँ पर होता है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है कि हेलीकॉप्टर का आविष्कारक कौन है, ब्रिक्विट। कौन है, ब्रिक्विट। आप इसको याद कैसे कर सकते हो, भाई हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, तो क्या कहेंगे उसको, बी क्विक। तो बी क्विक से क्या मिलता जुलता है, ब्रिक्विट। बी क्विक से क्या मिलता जुलता है, ब्रिक्विट। तो आप याद कर सकते हो, हेलीकॉप्टर बी क्विक, बी
क्विट, ब्रिक क्विट, ठीक है। तो ब्रिक क्विट को आप बी क्विक हेलीकॉप्टर से ऐसे क्रिएट कर सकते हो, ऐसे आप उसको जोड़ सकते हो। आगे चलते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र में जो सुरक्षा परिषद होती है उसमें स्थायी देश कितने हैं, 5। कितने, यूएनएससी जो है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद में स्थायी देश कितने हैं, 5, और अस्थायी देश होते हैं आपके 10, और उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 2 वर्षों का। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको तो आपको याद ही कर लेना है। तो कितने वर्षों के लिए होता है, 2 वर्षों के लिए। नेक्स्ट चलते हैं कि अकबर का मकबरा, तो वो सिकंदर नहीं, सिकंदरा कर लीजिए आप इसको। तो अकबर का जो मकबरा है वो आगरा में किस जगह पर है, सिकंदरा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जयदेव किसके दरबारी थे, तो जयदेव ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, गीत गोविंद। ये भी क्वेश्चन बनता है, इनकी पुस्तक कौन सी है, तो इनकी पुस्तक का नाम है गीत गोविंद। जयदेव की पुस्तक है गीत गोविंद। और ये किस राजा के दरबार में रहते थे, तो ये रहते थे लक्ष्मण सेन के दरबार में, जयदेव रहते थे लक्ष्मण सेन के दरबार में। आगे चलते कि मोहम्मद शाह रंगीला जो कि मुगल वंश का था, ये किस पंथ का अनुयायी था, तो ये था शिव नारायण पंथ का। बेहद ही टफ क्वेश्चन इसको हम कहेंगे कि मोहम्मद शाह रंगीला किस पंथ का अनुयायी था, तो वो था शिव नारायण का। सिखों के लिए अलग चुनाव की व्यवस्था कब की गई थी, आपको पता है कि जब 1909 में, तो मैं तो हिंदू मुस्लिम के लिए कर दिया गया था कि हिंदू मुस्लिम के लिए अलग अलग चुनाव की व्यवस्था की गई थी, उसका काफ़ी विरोध हुआ था, लेकिन उसके बाद भी 1932 में सिखों के लिए भी यही व्यवस्था चालू करी गई थी। तो 1909 में था हिंदू मुस्लिम, और 1909 में था मुस्लिम, और 1909 में था सिखों के लिए, ठीक है। ताकि मधुमक्खी का जहर कैसा होता है, तो भाई अब काटेगी तो पता चलेगा, तो कैसा होता है, अम्लीय होता है, दैट मीन्स एसिडिक इन नेचर होता है। तो उसका जो जहर होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, ओके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरेनियम, आपको पता है यूरेनियम कैसा है, रेडियो एक्टिव है, तो वो जब रेडियो एक्टिव होता है तो विघटित होते होते क्या बन जाता है, सीसा। सीसा मतलब लेड। तो देखो सीसा का मतलब वो देखने वाला सीसा नहीं होता, उसको हम कैसा लिखते हैं, ऐसे वाले सा से लिखते हैं। इस सीसा, इसका केमिकल नेम क्या होता है, लेड, ठीक है, क्या होता है, लेड, जिसको हम डिनोट कैसे करते हैं, पीबी से, ठीक है। तो ये एक एलिमेंट है, यूरेनियम किस में विघटित हो जाता है, लेड में। रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है, तो रोवर्स कप का संबंध है फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। नेक्स्ट चलते कि बांग्लादेश का पिता किसे कहते हैं, आपको पता है कि भारत का राष्ट्रपिता किसे कहते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी को। अगर हम बात करें पाकिस्तान के किसे कहते हैं, तो मोहम्मद अली जिन्ना को। लेकिन क्या आपको पता है कि बांग्लादेश का भी पिता, दैट मीन्स राष्ट्रपिता, ठीक है, बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कैसे कहते हैं, शेख मुजीबुर रहमान को, शेख मुजीबुर रहमान को। और इनको और क्या कहते थे, बंग बंधु, क्या कहते थे, बंग बंधु। तो क्वेश्चन बन सकता कि बांग्लादेश का राष्ट्रपिता फिर बांग्लादेश का पिता के नाम से किसे जाना जाता है, तो शेख मुजीबुर रहमान को। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि 49वां समांतर रेखा किसके किसके बीच में है, तो 49वीं समांतर रेखा यूएस और कनाडा के बीच में है, जो कि सबसे बड़ी एक बाउंड्री बनाती है। नेक्स्ट चलते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल कब शुरू हुआ, तो क्योटो प्रोटोकॉल कब शुरू हुआ था, 2005 में, ठीक है। आगे चलते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का मसीहा कौन था, तो हिंदू मुस्लिम एकता के मसीहा के नाम से जाना जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र, आपको पता है कि अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक थी, कौटिल्य की, कौटिल्य जिनको हम विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। तो कौटिल्य की इस बुक को जो है कलेक्ट करके प्रकाशन किसने किया था, वो किया था आर रामा शास्त्री ने, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के प्रकाशक कौन थे, आर रामा शास्त्री। अब आ चुके हम लास्ट क्वेश्चन पे, मतलब अपने 30वें क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, 389, ठीक है। तो बस इसी के साथ हमने 30 के 30 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। ओके, टिल देन, बाय बाय।